अब मैं आ जाती हूं अपने बाकी राजनीतिक मेहमानों की ओर। सबसे पहले आपका रुख करते हुए सुनील भराला जी, सरकार की एक बहुत बड़ी चूक, क्या इसको नहीं माना जाए? 2017 से आपकी सरकार है और इतना बड़ा गैंगस्टर आप तो चुन चुन कर अपराधियों को मार रहे थे, गिरा रहे थे, सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे और नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। चित्रा जी, मैं बताऊंगा आपको, पहले तो 2017 में जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने, उसके बाद तत्कालीन जितने भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के काल के पाले हुए अपराधी थे, उन अपराधियों को, और उसमें ये भी शामिल है, उनको जेल के सीखों के अंदर भेजा और कुछ को ऊपर चले गए जो पुलिस की मुठभेड़ मारे गए हैं। जिन लोगों ने ये अपराध की एक बड़ी जमीन तैयार की थी, उस जमीन को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेखूबी से और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था। और उसी के आधार पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जहां विकास दुबे की बात हो रही है, विकास दुबे पर भी उत्तर प्रदेश सरकार 17 में भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूस दिया गया था तत्कालीन। ये हमारी सरकार के अंदर हिम्मत थी केवल, लेकिन उसने अपनी न्यायालय से जमानत करा करके वो बाहर आ गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ऐसे अपराधियों पर सबसे पहले शिकंजा कसा गया था कि जिनका खौफ था, डर था, भय था, वो आज या तो जेल के अंदर थे और या कुछ लोग जमानत करा करके। सर, कौन सा डर था, खौफ था, भय था? एक सेकंड सर, कौन सा डर और खौफ था कि बकायदा साजिश करके 8 पुलिस वालों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए उन्हें उन्हें शहीद कर देता है? और ऐसा यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार है कि गैंगस्टर के हाथों 8 पुलिस वाले इस तरह से मारे गए हों। सुनील जी, चित्रा जी, वो जो 8 हमारे भारत माता के सपूत शहीद हुए, हम उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि और उनके लिए हमारे, मतलब हम शब्दों में क्या कहें कि उन्होंने बहुत ही, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और उन शहीदों ने हमारा सरकार का भी और उत्तर प्रदेश के पुलिस का भी, वो डर के नहीं भागे, वो लड़ते रहे, उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए प्रदेश और देश के लिए, वे हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे खूंखार अपराधियों को, आप देख रहे होंगे, आपकी जानकारी में, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि या तो सीखों के अंदर थे और पुलिस के पास जाकर के खुद अपराधी ये कहता था कि हमें जेल के अंदर भेज दो वरना तो हम यहाँ बाहर मारे जाएंगे। ऐसा खौफ उत्तर प्रदेश सरकार का था, ये है। और उसमें आप विकास दुबे का रिकॉर्ड निकलवाइए, 2017 का अगर रिकॉर्ड, आपके चैनल ने ही चलाया था उसको भी, बहुत भारी तरीके चलाया था चित्रा जी, के विकास दुबे को गिरफ्तार करके हमारी पुलिस ने, बहादुरों ने उसे गिरफ्तार करा था जब 25,000 रुपए का इनाम था। गिरफ्तार, एक सेकंड सर, तो सुनील जी मैं हैरान होती हूँ, आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं यूपी सरकार के, कौन आपकी बात पर भरोसा करेगा? आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, 60 से ज्यादा मामले जिसके ऊपर दर्ज हो, जिसने बीजेपी के ही एक मंत्री को 2001 में मार दिया हो थाने के भीतर घुसकर, और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।